हेलो दोस्त, आज का अपना सेशन होने वाला है फिजिक्स और एनटीपीसी का शानदार कुछ क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ जो आज थ्योरी में पढ़ूंगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्त चलेंगे। सबसे पहले जो है मेरे भाई, आज जो कुछ थ्योरी आपको हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले का थ्योरी है क्या देखेंगे, चलिए दोस्त आज ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी। तो दोस्त आज का जो थ्योरी है वो कुछ मतलब हम थ्योरी बाइट करेंगे और उसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो चलते हैं सबसे पहले थ्योरी की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या कराया है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। देखिए यहाँ पर क्या है त्वरण, ठीक है दोस्तों। कह कि त्वरण क्या होता है, ठीक। तो कह रहा है कि त्वरण आखिर हुआ क्या है, तो क्या कह रहा है किसी वेग में, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है किसी, ठीक ना दोस्त, क्या कह रहा है किसी, है ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। एक सदिश राशि है, कहने का मतलब है ये क्या एक सदिश है, कहने का त्वरण क्या हुआ। तो कह रहा है कि देखिए वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। वेग में परिवर्तन का दर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी मेरा चल रहा है, कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 20 के स्पीड से चल रहा है, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक ना, इतना स्पीड है इसका चाल, ठीक ना, इतना स्पीड है मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और एक्सलेट कर दिया, एक्सलेट करने के बाद में वो क्या करता है, 40 कर दिया, मान लीजिए 40 किलोमीटर कर सकते, तो नहीं कर देंगे किलोमीटर कर या मीटर पर सेकेंड कर दीजिए, 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फिर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो करा कि इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ, उसके वेग में परिवर्तन के दर को, मतलब कहने का वी माइनस यू वाई टी को ही हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक है और बाइक में जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेरे भाई एक्सेलेट करते, एक्सेलेरेशन देते हैं ना, एक्सेलेटर देते, एक्सेलेट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर का मतलब क्या था, वेग में परिवर्तन करना, ठीक। अब कह रहा है मेरे दोस्त यह एक सदिश राशि है, नहीं क्या एक सदिश राशि है, ठीक दोस्त, क्या है, क्या एक सदिश राशि है, ठीक। देखिए क्या एक सदिश राशि है, सदिश राशि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसीलिए इसका ऐसा मात्रा क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको बताना चाहेंगे एक बार, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक दोस्त। चलिए थोड़ा इसको मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाए, ठीक। एक बार रुकिएगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक। चलिए एक बार रुक जाइए, देखिए कह रहा कि इसका ऐसा मात्रक क्यों हुआ ऐसा, कि ना, तो इसका ऐसा मात्रक इसलिए होता है मेरे भाई, कि देखिए अगर मान लीजिए कि मेरा क्या बोले वी माइनस यू बाई टी, ये मेरा एक्सीलरेशन हुआ, वी माइनस यू बाई टी एक्सीलरेशन है, तो वी माइनस यू बाई जो टी एक्सीलरेशन हुआ, इसका ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो ऐसा यूनिट जो आपको दिख रहा है ये मीटर पर सेकेंड का, ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टी का भी सेकेंड होगा ना, तो देखिए ये तो बाई है तो बट्टा में आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक दोस्तों। तो यही होता है मतलब जो मतलब स्पीड मतलब जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक ना, जो त्वरण का जो ऐसा है मात्रक का, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक। इसमें किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलते हैं। ये तो आप समझ में आ गया, एक्सीलरेशन के बारे में आप समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि गति। देखिए वृद्धि गति आखिर क्या होता है मेरे भाई, कहने का मतलब देखिए एक मेरा सर्किल है, ठीक, मान लीजिए मेरा सर्किल है, ठीक। और इस सर्किल पर पहले बार थ्योरी पढ़ लेते, देखिए क्या कह रहा है कि जब, ठीक ना, क्या कह, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, मार्ग पर, ठीक ना, मार्ग पर गति करती है, क्या कह, वृत्ताकार जो है ना, ये क्या वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है, इस मार्ग पर कोई वस्तु मान ली गति कर रहा है, ठीक ना, देखिए मान ली गति हो रहा है, ठीक, गति करता है, तो उसकी गति के वृत्तीय गति करते, तो कह कि इस यहाँ इस पर जो मूव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे वृत्तीय गति, ओके, समझ में आ गया, क्या कहेंगे वृत्तीय गति। अब कहा कि यदि वो एक समान से गति करती है, मान लीजिए अगर ये एक समान से मतलब सब जगह सेम से ही होगा, 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 10 मीटर की स्पीड से हर जगह चल रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक समान मानेंगे, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति इसको मान सकते हैं, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति होगी, देखिए एक समान हम मान सकते हैं इसको, ठीक, ओके। उसके बाद क्या है कि देखिए वृत्त गति एक क्या है, त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, ये तो आपको पता है। देखिए इसको त्वरित क्यों कहा गया है, मतलब वेग गति एक त्वरित क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए ये जो डायरेक्शन है, हर एक मिनट थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा डायरेक्शन है, तो हर पॉइंट पर क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक ना, तो जहाँ पर चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो त्वरित गति कहा जाता है, ठीक ना, वेग गति एक त्वरित
त्वरित गति है। द्वितीय गति का मतलब द्वितीय गति जो है त्वरित गति है, क्योंकि वह हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप खड़ा है कोणीय वेग क्या हुआ? कोणीय वेग, ठीक है, जैसे वृत्तीय वेग था वैसे ही कोणीय वेग है, ठीक है, जैसे वृत्तीय वेग है वैसे ही कोणीय वेग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से एक गोला कर लेना है। अब गोला करने के बाद क्या करना है आपको, कि यहाँ पर तो सेंटर होगा कि नहीं होगा। अब इस सेंटर से मेरे भाई एक बार यहाँ पर पॉइंट खींचिए, एक बार पॉइंट यहाँ से खींचिए, और इसके बीच में जो मान लीजिए जो थीटा बनेगा मेरा, जो भी थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, तो किसके टाइम में टी लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम एब्जॉर्व होगा इसमें, क्या होगा कि नहीं? मान लीजिए इसमें क्या टाइम एब्जॉर्व होगा, करने का मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो कोण बनता है और उसमें जो टाइम लगता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर वेलोसिटी। देख लेते क्या है, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए थोड़ा थोड़ा पतला कर लेता ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि वृत्तीय गति है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्तीय गति, देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील, ठीक है ना, कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने से, ठीक है ना, जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये इस इंड पॉइंट और इस इंड पॉइंट के ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ठीक है ना दोस्त, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा, मान लीजिए जो टाइम लगा, इसी को हम लोग क्या लेंगे, कोणीय वेग। क्लियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। चलते इसको थोड़ा और डिटेल समझ लेता हूँ, कोणीय वेग में क्या क्या है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर आ जाइए। देखिए ये तो आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको बिना से क्लियर हो रहा है। देखिए ये आपको बने से क्लियर हो रहा है, ये लाइन को, ये लाइन को, ठीक। देखिए कहा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो कोण बना उसी को हम लोग एंगुलर, क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इसे प्राय ओमेगा से लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, ओमेगा से। क्लियर, क्या करेंगे हम लोग इसको, ओमेगा से दर्शाता है। कह रहा है कि इसका जो फॉर्मूला होगा, ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे थीटा बाई टी, ठीक ना, थीटा बाई टी। करने का मतलब ये देखिए, ये जो थीटा बना, ये जो थीटा बना यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उसमें जो टाइम लगा ना, उसी के दर को हम लोग क्या ओमेगा बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यदि कण 1 सेकेंड में एन चक्कर लगाता है, मान लीजिए अगर कण जो है क्या कह रहा है कि एन चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकेंड में जितना भी चक्कर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त पर एक बार मूव करेंगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनता है, क्या कितना बनेगा, 360 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है कि आप जितना बार मूव करेंगे उतना एन से गुना करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है 2 पाई एन, ठीक ना, क्या हुआ, 2 पाई एन। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 2 पाई एन, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कह रहा है कि अब देखिए क्या कि अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है, मान लीजिए ये जो त्रिज्या दिख रहा है वो आर है, ठीक, और कण 1 सेकेंड में एन चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकेंड में जितना एन चक्कर जितना बार घूम जाए वो 1 सेकेंड में, ठीक, क्योंकि आपको यूनिट का चाहिए, थोड़ा थोड़ा का चाहिए ना, एक एक यूनिट का, तो 1 सेकेंड में एन चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक, अब करा कि 1 सेकेंड में जो दूरी तय करेगा दोस्त, तो हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त के परिधि ना हुआ, एक बार चक्कर घुमा देंगे वृत्त का परिधि, और जितना बार हम घुमाएंगे मेरे दोस्त, थोड़ा इसको हम क्लियर करूंगा, मैं जितना बार इसको घुमाएंगे, मान लीजिए 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा आप लोग, ठीक, 1 मिनट रुकिए दोस्त। देखिए आप चाहे जितना बार घुमा लीजिए इसको, ठीक ना, जितना बार आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक, क्या करेंगे, आप चाहे इसको जितना बार घुमा लेंगे, तो वृत्त का जो परिधि हुआ वो तो 2 पाई आर हुआ, क्या हुआ, 2 पाई आर। अब कह रहा है कि एक चक्कर में, मतलब 1 सेकेंड में आप जितना बार कर लीजिए, तो उसको क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, क्या आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीज है, ठीक। अब कह रहा है कि देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या क्या, थोड़ा मैं यहाँ पर हल्का इसको ऊपर ले जाऊंगा, और यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा आपको कि देखिए अब यहाँ पर क्या क्या कि भी ये क्या वेलोसिटी ले लिया है इसको, मान लीजिए क्या आपका वेलोसिटी लिया गया है इसको, क्यों ना, क्योंकि इस चक्कर को मान लीजिए जितना टाइम में लगे हमको, जितना मूव करने में लगे, जितना टाइम हमको मूव करने में लगेगा, ठीक है, जितना मूव करने में लगेगा, तो उसी को हम क्या मानेंगे, भी वेलोसिटी है ना इसमें लगेगा, होगा वेग ना होगा, तो क्या लेगा, 2 पाई आर एन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहा है मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि देखिए ये जो मेरे पास 2 पाई और ये जो एन दिया है, यहाँ पर 2 पाई एन है, ये क्या हो गया आपके पास, अगर हम इसको, ये तो 360 डिग्री का बना, फिर अब मैं जितना बार इसको मूव करेंगे, ठीक, जितना बार मैं इसको मूव करेंगे मान लीजिए, तो मेरे पास जो होगा ये क्या वेलोसिटी है ना, तो हमारे पास जब ये वेलोसिटी हुआ मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी हुआ 2 पाई एन और यहाँ पर मल्टीप्लाई आर से रेडियस है यहाँ पर, ठीक ना, ये क्या मेरे पास रेडियस,
इसको जो हम मल्टीप्लाई किए तो देख लीजिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2 पाई है ना, 2 पाई एन। तो देखिए आर को इसी करना है, और 2 पाई एन जो है अभी आपको हम बताए थे 2 पाई एन को क्या करते हैं, क्या मैं ओमेगा हम किए थे कि नहीं किए थे। 2 पाई ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं, 2 पाई एन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा इसको हम रिपीट करना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जहाँ कहाँ कि हम इसी टॉपिक में, देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ, ठीक ना दोस्त। यहाँ पर रुक जाइए, देखिए ये टॉपिक दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे ओमेगा वाला क्या है, देखिए ओमेगा क्या है, 2 पाई एन है ना, 2 पाई एन। चलिए तो वहीं पर हम क्या किए, ये जो दिख रहा है 2 पाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर जो क्लियर हो रहा है ये वाला, ठीक ना, यहाँ पर 2 पाई जो एन दिख रहा है ये ओमेगा है, और यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर, ठीक। ये क्या, ओमेगा इंटू आर, ये आपका हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपके पास रेखीय चाल, मतलब ये रेखा के टाइप पर, ठीक ना। ये क्या है, जैसे कि मेरा एक लीनियर होगा, लीनियर हो गया आपके पास, ठीक ना, कोणीय। तो क्या है, रेखीय चाल बराबर जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेखीय चाल, क्या लिखेंगे, कोणीय चाल गुने त्रिज्या, रेडियस, ठीक ना। अब जो कि आपको यहाँ पर ब्रैकेट पे भी लिख दिया है, पर पोस्ट में देखिए ओमेगा और आप लिख सकते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, देखिए क्या ना कि न्यूटन का अब गति पढ़ेंगे, ठीक ना, न्यूटन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए दोस्त, न्यूटन ऑफ लॉ मोशन का क्या करा है कि देखिए, भौतिक के पिता न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन ने सन क्या 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक, ठीक ना, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। सबको पूछ दे कि अगर न्यूटन ने सबसे पहले कौन सा बुक में अपना मतलब गति का जो है प्रतिपादित करके रखा गया, कौन सा बुक में, तो आपको याद रखना है प्रिंसिपिया, याद रखना दोस्त, प्रिंसिपिया, ठीक ना, प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन का, ठीक, कितना में, तो 1687 में, 1687 में, क्लियर, 1687 में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिए अब करा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक ना, क्या है प्रथम गति नियम देख लेते हैं। देखिए दोस्त, प्रथम गति नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु, ठीक ना, कार्य के मानने का मतलब है कि कोई वस्तु, जैसे कि मेरे पास कोई भी टॉपिक है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मेरा मैटर है, और ये मैटर मान लीजिए अभी क्या है, रेस्ट में है ना, ये क्या है अभी, मान लीजिए रेस्ट में, तो पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक, क्या कहें, रेस्ट में रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु गति में है, तो वो हमेशा गति में रहना चाहता है, कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक ना, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक में वो समझाना चाहूँगा, और आप लोग थोड़ा देखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ताकि और बढ़िया से आपको समझ में भी आ जाए। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम, ठीक ना, गति का नियम कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वो विरामावस्था में रहेगी, ठीक ना, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी ना वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना लाए, ठीक ना, जैसा कि अवस्था में था वैसा, कहने का ये इंटरनल फोर्स इसमें लगाना पड़ता है बाहर से, तब जाके इसको आप रोक सकते हैं, ठीक। तो कहा कि ये सबसे पहले क्या था, कौन दिए थे, तो कहा कि देखिए इसी नियम को, प्रथम नियम को क्या करा कि प्रथम नियम को ना गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक ना, क्या करेगा इसको, गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहा जाता है। ओके, इसमें दिक्कत, कह रहा कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना दोस्त। चलिए थोड़ा इसको यहाँ पर मैं और क्लियर कर लेता हूँ। देखिए कह रहा कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त कहते हैं, प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। तो ये कह रहा है कि देखिए, अब जो भी मान लीजिए, जो भी इसके पास क्षमता है, जो भी क्वालिटी था, ठीक ना, कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, कह रहा कि अगर जो जड़त का नियम किसको बोलेंगे कि उसकी क्षमता को बोलते हैं, क्या कि जो अगर विराम अवस्था में वो हमेशा विरामी में रहेगा, जो गति में वो गति में रहे, उसी के हम लोग क्या बोलेंगे, जरूरत कहेंगे, ठीक। इसका इस नियम से बल का परिभाषा भी निकलता है, ठीक है दोस्त, इससे क्या होता है, बल का परिभाषा भी निकलता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम करूंगा और आपको थोड़ा क्लियर में समझा देना चाहूंगा। देखिए मेरे भाई, आ जाइए, देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखते जाइए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कह रहे हैं बल की परिभाषा क्या हुआ, देखिए बल वह बाह्य कारक है, ठीक ना, बल, देखिए क्या कह रहा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की, ठीक
प्रारंभिक अवस्था में ठीक ना परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की चेष्टा करती है। बल एक सदिश राशि है, मतलब सदिश राशि में समझ में आ गया, इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों का बात हो रहा है। इसका ऐसा मात्र न्यूटन होता है, ठीक दोस्त। क्या था इसका ऐसा मात्र न्यूटन कहने का, तो ये भी यही बात करा, परिभाषा भी आप समझ में आ गया कि उसके वेग में परिवर्तन क्या करा, बाह्य बल लगा कर हम उसको परिवर्तन करते या करने का चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, बल का परिभाषा कहते हैं। जैसे कि पहला नियम करा, जरूरत का कुछ एग्जाम्पल है देख लीजिए, करा कि देखिए, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उनमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक ना, क्यों पता है ना। देखिए अगर मान लीजिए मेरा जो है शरीर का जो मतलब बॉडी है और अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में क्या होता है, मान लीजिए कि गति मतलब रेस्ट में, और ऊपर वाला जो पास पार्ट जो होता है वो आपका मोशन में होता है, ठीक। वो तो गाड़ी के संपर्क में होता है, जैसे ही गाड़ी ग्रामर से मोशन में जाता है दोस्त, तो मेरा जो नीचे वाला जो पार्ट है ठीक ना वो तो गाड़ी के संपर्क में चला गया, ठीक ना। वो क्या है, गाड़ी के संपर्क में, मान लीजिए रेस्ट में है, अभी हम बैठे तो रेस्ट में है, गाड़ी के संपर्क में मेरा ये जो भाग है चला गया, तो गाड़ी गति में होगा, गाड़ी मान लीजिए गति कर रहा है, तो मेरा जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक ना। इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, अचानक जो है ठीक ना क्या कर रहा है, देखिए अचानक रुकने पर उसमें बैठने बैठ सॉरी पहला देख लीजिए ठीक ना, बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। स्वाभाविक है क्योंकि आपका जो पीछे जो लोअर पार्ट है, लोअर वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो तो गाड़ी के संपर्क में हो गया, उसके संपर्क में तो वो तो गति में चला गया, और ऊपर वाला पार्ट जो आपका रेस्ट में हो गया, तो इसीलिए दोस्तों तो रेस्ट में रहना चाहता था, इसी की वजह से जैसी गाड़ी चलाता है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, मगर वो गाड़ी की वजह से वो कहता है पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक। फिर करा कि देखिए दूसरा क्या करा, दूसरा देखिए करा कि चलती हुई मोटर कार के अचानक ठीक ना रुक क्या अचानक रुकने पर उनमें बैठी यात्री आगे की झुक जाती है। देखिए अब कह रहा है कि मेरा जो पार्ट है मान लीजिए वो क्या है, गाड़ी के संपर्क में है, ठीक, और ऊपर वाला पार्ट है जो रेस्ट में है मान लीजिए, तो अब रेस्ट में है और वो गति में जा रहा है, तो जैसे आप इसको ब्रेक मारेंगे ठीक ना तो वो तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा ना, क्योंकि रेस्ट में है, अब आप ब्रेक मारेंगे तो वो तो गति में उसको उसका मूव करवा दिया ठीक ना, तो इसीलिए वो हमेशा मतलब रेस्ट में रहना चाहता है गाड़ी के संपर्क में, ठीक, गति के में था गाड़ी के संपर्क में तो गति में था तो हमेशा गति में रहना चाहेगा, मगर आप उसको क्या किए रोकना चाह, तो रोकेंगे तो बाहर सही है, क्योंकि क्या हुआ वो आप आगे की ओर झुक जाएंगे, ठीक। जैसे कि कम्बल को हाथ से पकड़ कर या डंडे से पीटने पर धूल के कण ना क्या करा छड़क ना क्या छड़क गिर पड़ते हैं, झड़ कर गिर पड़ते हैं, मतलब क्या झड़ कर गिर पड़ते हैं ठीक ना, तो झड़ कर गिरना वो भी स्वाभाविक है। जैसे कि मान लीजिए वो अगर मान लीजिए वो तो रेस्ट में है और आप उसको मतलब लाठी से उस पर जो है चार्ज करते हैं ठीक ना, तो वो पार्टिकल तो रेस्ट में है तो हमेशा चाहेंगे कि हम रेस्ट में ही रहें, तो इसीलिए जो उससे क्या होता है धूल कण जो है मतलब साफ करने में कोई मतलब जो भी हो कम्बल उम्बल वो सबको हम लोग यूज करते हैं, ये भी आपका वह जरूरत का ही नियम से होता है ठीक ना। चलते हैं, चलिए थोड़ा आप इसको पढ़ लेते हैं ना, मोमेंटम के बारे में, संवेग बहुत अच्छा है। देखिए कहा कि संवेग मोमेंटम क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कहने का मतलब है कि मोमेंटम क्या होगा ठीक ना, पी बराबर जैसे हम लोग लिखेंगे पी बराबर होता है एम वी, क्या लिखेंगे एम वी ठीक ना, एम वी ये मास हुआ, ये आपके पास ये वेलोसिटी हो गया, इसके प्रोडक्ट को इसे गुणनफल गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे मोमेंटम बोलेंगे, क्लियर समझ में आ रहा है ना। या किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का वेग कहते हैं ठीक ना, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला यह हो गया संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान, इसी को हम लिख लीजिए एम वी से, आप लिख सकते हैं इसको क्लियर, एम वी से आप इसको लिख सकते हैं। यह क्या सदिश राशि है ठीक है, इसका ऐसा मात्रक, तो देखिए ये एम हुआ तो एम को हम क्या लिखेंगे केजी लिखेंगे, और पी को लिखते हैं क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं क्लियर है, इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं क्लियर दोस्त। चलिए अब कह रहा है कि न्यूटन का जो है हम ना क्या कहा द्वितीय नियम पढ़ते हैं, द्वितीय नियम में क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त द्वितीय नियम क्या कह रहा है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम कह रहा है ठीक ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि देखिए किसी वस्तु ना किसी वस्तु ये आपका जो है ना ये एक क्या है मतलब आपको जो मोमेंट है ना मोमेंटम से ही ये रिलेटेड है, संवेग से ही भी रिलेटेड, क्या कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, देखा है ना क्या कहा वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है,
ठीक, तथा संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है और संवेग बल के दिशा में होगा। अब इस आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है, उत्पन्न त्वरण A है, तो वस्तु का द्रव्यमान M हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं कि ये होगा कि F इज इक्वल टू MV। इसको हम लोग प्रूव करके भी ला सकते हैं दोस्तों, ना इसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसको आप प्रूव करके भी ला सकते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आ रहा है क्या कि देखिए इसके वेग में क्या, वेग में, वेग मतलब समझ रहा है ना कि मोमेंटम में जो चेंज आता है, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम के दर, तो इसमें जो टी आएगा कि नहीं आएगा, मोमेंटम के दर बाई टी करा है कि नहीं करा है, ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मोमेंटम के दर को, ठीक, तो यही हुआ मोमेंटम के दर को। तो मोमेंटम के दर को हम लोग फार्मूला में अगर मान लें लिखना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग इसको लिखेंगे, क्या था मेरे पास, मान लीजिए ये क्या है, ठीक ना, तो क्या मेरे पास पी है, ठीक ना, तो जैसे कि मान लीजिए पी बाई टी लिखेंगे, तो पी को हम क्या लिखे थे, MV/T, नहीं MV/T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। तो अब करा कि देखिए, अब ये जो दिख रहा है ना भी, तो भी को हम लोग ये जो दिख रहा है वेग, तो ये एम हो गया, और भी को वेग में परिवर्तन का है, मोमेंटम में तो परिवर्तन ही करा है, तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो मास आपको सेम ही होगा, चेंज तो इसी में होगा ना, ये चेंज होगा तो भी माइनस वी क्यू होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, जैसे कि मान लीजिए भी माइनस यू बाई टी होगा ना, जिसको हम ए मानेंगे, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसको, एफ बराबर, एफ बराबर क्या लिखेंगे, एम ए, ना ये हमारा हो जाएगा, क्लियर। अब करा है देख लेते हैं थोड़ा क्या है, देखिए क्या कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, प्रथम नियम है जो दूसरा अंग का ही नियम है, क्लियर। चलते हैं कुछ और देख लेते हैं नेक्स्ट, चलिए दोस्त, तो आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो एंड करूंगा दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया हुआ तो मुझे जरूर कमेंट कर करिए करिएगा, मैं इसी तरह से आपको, अगर ये आपको अच्छा लगा तो मैं इसी तरह से पार्ट बना बना के रेलवे का NTPC के जितना भी है मैं कोर्स करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी एक वीडियो में करते रहूँगा, और मैथ का भी कुछ कुछ सोल्यूशन में करता रहूँगा। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।